चलो, तो लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा कि कैसे प्रिज्म लाइट को डेविएट करता है और अलग-अलग कलर्स को अलग-अलग एंगल पे डेविएट करता है, और जिसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन। जब लाइट अलग-अलग एंगल पे स्कैटर होती है, उसको डिस्पर्शन बोला जाता है। और हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है जिसमें 7 कलर्स रहते हैं, और सेम फिनोमेनन हम रेनबो में देखते हैं कि रेन होने के बाद, बारिश होने के बाद अगर सनलाइट अपीयर होती है तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे लिखो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब देखो जो अर्थ है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में भी जो डेंसिटी है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। अर्थ के नजदीक एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती। तो जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग डेंसिटी के कारण डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर्स की तरह वर्क करता है। और हमने देखा है जब लाइट एक रिफ्रैक्टिव मीडियम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती है तो क्या होता है, बेंड होती है, डेविएट होती है, अपने पाथ को चेंज करती है। तो यही जो फिनोमिनन है इसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखो, व्हेन लाइट मूव्स थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स, व्हेन लाइट मूव्स थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कुछ फिनोमिनन है जो हमें पता होने चाहिए। एक होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसमें क्या होता है, अब देखो जो स्टार है वो ऐसे बहुत दूर है, अपन देख रहे हैं यहां से, तो जो लाइट इससे आ रही है तो वो जब एटमॉस्फेरिक लेयर से पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड होगी, और अपने को मान लो यहां से आते हुए दिखाई दे रही, तो अपने को स्टार यहां पे अपियर होगा। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स जो हैं ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम की तरह एक्ट करेंगी। तो जो लाइट आ रही है जब एक मीडियम से, और ऊपर रेयरर मीडियम होता है नीचे डेंसर, तो रेयरर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो इस तरह से जब वो बेंड होगी तो हमको स्टार की पोजीशन कहां दिखाई देगी, यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमको स्टार जहां दिखता है वहां नहीं होता, उससे कहां होता है, दूसरी पोजीशन पे होता है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, और ये लेयर्स ऐसे फिक्स नहीं होती। ये लेयर्स क्या करती हैं, मोबाइल होती है, मूव करती है। तो जब ये लेयर्स मूव करती हैं तो उसके कारण ये जो लाइट है इसका पाथ भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है थोड़ा सा। तो पाथ चेंज होने के कारण अपने को स्टार की पोजीशन क्या होती है, जैसे या तो लाइट मतलब क्या है,
उसको ट्विंकलिंग टाइप का दिखाई देता है, उसकी पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिसके कारण अपने को क्या लगता है स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। जबकि प्लैनेट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं? मगर फिर भी अगर प्लैनेट दिखता है जैसे वीनस वगैरह दिखाई देता है तो वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देगा, जबकि स्टार्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्स बहुत दूर होते हैं तो वो अपने को कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रहे तो कम हिस्से में से लाइट आ रही है, वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स जो दिखाई देते हैं वो काफी नजदीक होते हैं, तो काफी नजदीक होने के कारण क्या होता है, एक लार्ज एरिया से लाइट आती है, तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होगा तो भी अपने को वो हमेशा दिखाई देता रहेगा, वो इस तरह से उसकी पोजीशन चेंज। समझ आ रहा है? ये तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा बना, सिर्फ इतने पार्ट से आने वाली लाइट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हिस्से से लाइट आ रही है, तो अगर थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन भी होगा तो भी हमको उसकी पोजीशन पे या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो, लिखो, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्टार आगे लिखो, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली, अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ, बिफोर इट रीचेज द अर्थ। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ड्यू टू विच द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स, ड्यू टू विच द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स ठीक है, आगे लिखो, द स्टार्स समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर एंड एट सम अदर टाइम फेंटर, द स्टार्स समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड इट्स एट सम अदर टाइम फेंटर विच इज ट्विंकलिंग इफेक्ट, विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जो लाइट आ रही है, अब ये इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, जिससे स्टार की अपरेंट पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज, और इसलिए हमको वो कभी ब्राइट दिखाई देता है, कभी फेंट दिखाई देता है, और ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। आगे लिखो, वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल।
तो लिखो, द प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर एंड आर दस सीन एज एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेस एक्सटेंडेड सोर्सेस सो द लाइट एंटरिंग अवर आई सो द लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स विल will almost remain same will almost remain same its variation is zero it nullifies the twinkling effect it nullifies या cancels it nullifies the twinkling effect ठीक है मतलब इसमें क्या हो रहा है देखो इसको समझो प्लान ये जो स्टार है वो कैसे एक्ट करता है पॉइंट सोर्स की तरह तो उसमें क्या होगा कि जो लाइट आ रही है ट्विंकलिंग के कारण उसकी पोजीशन कभी यहां दिखी कभी यहां दिखी कभी यहां दिखी तो अपने को क्या दिखाई देगा कभी ब्राइट कभी फेंट अब लेकिन प्लैनेट जो है वो नजदीक है तो उसका साइज क्या होगा हमको बड़ा दिखाई देगा अब उसको हम बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं अब इसकी इमेज यहां बनी अब इसमें एक पॉइंट की इमेज यहां चेंज हुई एक की यहां चेंज हुई एक की यहां चेंज हुई तो भी ऑलमोस्ट जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब अपने को क्या होंगे एक साथ दिखते मतलब ये भले यहां चला गया ये यहां चला गया तो वो ऐसा नहीं होगा कि उसकी लाइट क्या हो रही है कम हो रही ज्यादा ऑन एन एवरेज वो इफेक्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसमें चेंज नेग्लिजिबल होगा तो इसलिए अपने को प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई ठीक है तो मेन रीजन क्या है स्टार दूर होने के कारण पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है मतलब बहुत छोटा दिखाई देता है और प्लैनेट नजदीक होने के कारण बड़े सोर्स की तरह दिखाई देता है इसलिए ट्विंकलिंग से उस पर ज्यादा फर्क नहीं मतलब इसके वेरिएशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना नॉर्मली भी अपन देखें अगर कोई पॉइंट होगा और अपन थोड़ा सा ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करके देखेंगे तो पॉइंट दिखना बंद हो जाएगा या कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा लेकिन अगर बड़ा सोर्स होगा अगर अपन खुद भी हिलेंगे डुलेंगे तो वो अपने को क्या होगा दिखाई देता रहेगा तो वही चीज यहां पर हो रही कि बीच में मीडियम चेंज कर भी रहे हैं तो कोई फर्क उसमें ज्यादा नहीं पड़ता है ठीक है उसके बाद लिखो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट देखो एक्चुअली क्या होता है जो सन राइज होता है उससे पहले ही अपने को राइज किया हुआ दिखाई देता है और सेट होने के बाद भी अपने को दिखाई देता रहता है ठीक है तो थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर होता है अब ऐसा क्यों होता है ये अर्थ है इसका एटमॉस्फियर है इस तरह से अब जब सन सेट हो रहा है तो हमको कम नहीं दिखाई देगा जब वो हॉराइजन से कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो अपने को दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट कैसे जाती है स्ट्रेट पाथ में जाती है तो यहां तक है तो अपने को दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पहुंच गया सन तो अपने को दिखना बंद हो जाएगा अब बंद हो तो जाना चाहिए लेकिन क्या होता है अब यहां से अपन यहां से देख रहे हैं तो लाइट यहां से यहां तक गई मान लो एटमॉस्फेयर तक तो सीधी चली गई
लेकिन अब एटमॉस्फेयर के कारण वो लाइट क्या होने लगेगी यहां पर, और कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो बेंड होने लगेगी। अब बेंड होने के कारण अपने को वो सनलाइट यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब रिफ्रैक्शन के कारण ये जो एक्चुअल सन है इसकी एक इमेज बन जाएगी यहां पे, तो हमको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, तो हमें तो क्या पता वो इमेज बन रही है, तो इसलिए हमको सन सेट मतलब राइज, ये राइज होने की भी बात देख सकते हो, सेट होने की भी, कि राइज हो रहा है तो सन यहां से राइज हो रहा है मान लो, तो राइज होने से पहले ही हमको क्या दिखाई देने लगेगी, उसकी इमेज दिखाई देने लगेगी रिफ्रैक्शन के कारण, तो वो एडवांस में ही सनराइज हो जाएगा। और ऐसे जब सेट हो जाएगा तो सेट होने के बाद भी उसकी क्या दिखाई देती रहेगी, इमेज दिखाई देती रहेगी कुछ टाइम तक, तो वो डिलेड सनसेट, मतलब सनसेट हो चुका है लेकिन उसके बाद भी हमें वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो ये ठीक है ना, इसको ड्रॉ कर लो फिगर को, फिर लिख इसको अपन बोल सकते हैं अपेरेंट पोजिशन ऑफ सन। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोला जाता है होराइजन। ठीक है, तो लाइट यहां से जा रही है तो यहां तो अब स्ट्रेट लाइन में जाएगी जब तक कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी वो क्या होने लगेगी, बेंड होने लगेगी, और हमको कहां से आती दिखाई देगी, तो जो एंड पे हमारी आईज पे रेज आ रही है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से एक्सटेंड कर दें, तो वो जहां पर होगा वहां पे हमें सन की इमेज दिखाई देगी। तो लिखो इसमें द सन इज विजिबल, द सन इज विजिबल टू अस, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स before the actual sunrise, about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset, after the actual sunset because of atmospheric refraction. ठीक है, और एक्चुअल सनसेट या सनराइज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल सनराइज में सन एक्चुअली होराइजन के ऊपर आ जाए, तो लिख लो इसको भी, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। By actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun. ठीक है, तो बस इसमें कभी आ जाता है तो ये डायग्राम अपन बना के ये लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज इसके कारण होती है कि जब सन सेट या राइज होता है अपने को थोड़ा सा स्फीयर की जगह ओवल टाइप का दिखाई देता है, वो भी इसी कारण से होता है, तो इसी में आगे लिख लो, द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क, द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट, एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो due to the same phenomenon, is also due to the same phenomenon. ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, ये एटमॉस्फियर है, ये होराइजन, सन यहां पर, अब सन तो कैसा होता है, स्फेरिकल गोल है, लेकिन अब इसमें जो अलग अलग पॉइंट से रेज आ रही हैं, उनकी बेंडिंग थोड़ी अलग अलग होती है, मतलब ये जैसे यहां से यहां रीच करते वक्त ऐसे गया कुछ,
ठीक है, और ये वाली रेस जो है यहां से एंटर करके यहां तक इस तरह से पहुंची, तो ये हमको ये यहां से आती हुई दिखाई दी, ये यहां से आती हुई दिखाई दी। तो जो सन है वो ऐसा दिखाई देने की बजाय कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा इस तरह का दिखाई देता है, तथा स्फेरिकल की जगह कैसा दिखाई देगा, अंडाकार, ठीक है, ओवल। तो ये भी किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। लेकिन जब दिन में होगा तो ऐसा नहीं दिखाई देगा, तब क्या होगा, रेज बराबर बराबर सा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे नियरली। तो इसमें क्या होता है, ये वाली रेज तो थोड़ा सा अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इसलिए जो अपने को इमेजेस दिखाई देंगी, इसकी इमेज थोड़ी अलग दिखाई देगी, इसकी इमेज थोड़ी अलग दिखाई देगी, इसलिए सन कैसा दिखाई देता है, ओवल शेप का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। हॉराइजन पे कैसा दिखाई देगा, हॉराइजन पे जब होगा तब तो अपने पास रेज आ ही जाएंगी सीधे, और अगर थोड़ा सा सेट हो गया तो भी अपने को हो सकता है कि इसकी इमेज दिखाई दे तो वो ऐसा ही दिखाई दे, स्फेरिकल टाइप का, ठीक है, मतलब हॉराइजन पे जब सेट हो रहा है तो अब वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो आधा अगर ऐसा चल आ गया, अब इधर से जो रेज आएंगी तो वो अगर बेंड भी होंगी तो इस तरफ बेंड हो जाएंगी नीचे की तरफ वो, फिर या ऊपर की तरफ जो जाएंगे वो अपनी आईज तक पहुंचना भी जरूरी है, तो मेरे ख्याल से वैसा ही दिखाई देगा। जब हॉराइजन पे क्रॉस कर रहा होगा तब तो आधा नीचे आधा ऊपर ऐसा ही दिखाई देना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी इमेज दिखाई देने लगेगी। मगर जनरली क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, एक बार जब सेट हो जाता है तो सेट होने के बाद दिखाई नहीं देता ना वापस, तो यानी कि हॉराइजन पे भी वैसा ही होना चाहिए कि पूरा ही दिखाई देना चाहिए अपने को, क्योंकि तो जब वो सेट होगा तो हॉराइजन पे भी ये रेस तो पहुंच रही है अपने पास सीधे, क्या जब हॉराइजन पे होगा तो क्या होगा, अच्छा ये बात भी सही है, ठीक है, जब हॉराइजन पे भी होगा तब भी अपने को जो रेज आएंगी वो तो बेंड होके ही आएंगी, क्या यहां से स्ट्रेट आ रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर में आएंगी तब तो बेंड होंगी, तो अलग अलग पॉइंट से जो रेज आएंगी तो वो अपने को तब भी थोड़ा सा क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, लेकिन जब वो हॉराइजन से नीचे चला जाएगा फिर जब उसकी इमेज सेट होगी मतलब और नीचे जाएगा तब वो अपने को सेट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो हॉराइजन पे होगा तब भी उसकी, क्योंकि बेंडिंग तो होगी लाइट की, तब भी हमको कहां दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सन सेट और राइज के बारे में पता होना चाहिए कि अर्ली सनसेट क्यों होता है और डिलेड, मतलब अर्ली सनराइज क्यों होता है और डिलेड सनसेट क्यों होता है, और ओवल शेप क्यों होती है सनसेट या सनराइज पे। इसके बाद लिखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो अब जो लाइट है जब ये पार्टिकल्स से टकराती है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनको एक तरीके से एब्जॉर्ब करके वापस से
एमिट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग बोला जाता है। और ये जो स्कैटरिंग है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की स्कैटरिंग अलग अलग होती है। वेवलेंथ कम होती है तो स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्कैटरिंग कम होती है। अब जो अपने पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, ठीक है ना, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम, तो इसलिए वायलेट की स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा, और रेड की सबसे कम, ठीक है। और इसी के कारण हमें स्काई जो है वो कैसी दिखाई देती है, ब्लू, मतलब वैसे वायलेट क्या क्या आएगा, जैसे ब्लू आया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ब्लू ज्यादा अपनी आईज को जो है वो अफेक्ट करता है कंपेयर टू वायलेट, तो इसलिए अपने को ब्लू कलर की स्काई दिखाई देती है, ठीक है। जबकि सनसेट और सनराइज में कैसा दिखाई देता है, सन रेड, क्यों, क्योंकि काफी डिस्टेंस पे होता है, जब स्काई पे है सन तब तो सन क्या है, नजदीक, वो कैसा सन कैसा दिखाई देगा, व्हाइट, और स्काई कैसे दिखाई देगी, ब्लू, क्योंकि जब सन से नजदीक है वो, उससे जो लाइट आ रही है तो कम डिस्टेंस से आ रही है, तो स्कैटरिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो वो अपने को व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन स्काई में कौन सा कलर स्कैटर हो जाता है, सबसे ज्यादा ब्लू, तो स्काई ब्लू दिखाई देती है। लेकिन जब सन सेट या राइज हो रहा है तो काफी डिस्टेंस पे है, तो जो कलर्स स्कैटर हो गए वो तो अपने तक पहुंचेंगे ही नहीं, और जो कलर्स कम स्कैटर होंगे वही क्या होंगे, अपनी आईज तक पहुंचेंगे। इसलिए कैसा सन दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट पे रेड। इसीलिए ये जो सिग्नल्स होते हैं डेंजर वाले या रुकने वाले, वो सब कैसे बनाए जाते हैं, रेड, क्योंकि रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है, तो कम स्कैटर होगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक अपने को दिखाई देगी, ठीक है। अगर स्कैटरिंग ज्यादा हो गई मतलब वो लाइट ज्यादा बिखर गई, बिखर गई तो ज्यादा दूरी तक उसकी इंटेंसिटी नहीं बचेगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और जितनी कम स्कैटरिंग होगी उतनी इंटेंसिटी से वो अपने को दूर तक दिखाई देगी। इसीलिए रेड कलर से अपन ये जो रुकने वाला सिग्नल है या डेंजर वाले सिग्नल है, ये सब किसमें बनाए जाते हैं, रेड कलर। या व्हीकल में भी जो ब्रेक वाली लाइट है वो कैसी होती है, रेड होती है, जिससे कि वो ज्यादा दूरी तक अपने को दिखाई दे, ठीक है। ट्रैफिक लाइट में भी रेड रुकने के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना, कि रुकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन तो नजदीक आके भी पता चल जाएगा कि हमें आगे जाना है, लेकिन रेड है मतलब अभी हमें क्या करना है, वहां पर रुकना है, तो अपनी स्पीड कंट्रोल कर ले। तो लिखो, देखो, व्हेन व्हेन लाइट पासिस थ्रू दी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, व्हेन लाइट पासिस थ्रू दी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, दे एब्जॉर्ब्स दी लाइट एंड फर्दर एमिट इट, फर्दर एमिट इट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज प्रपोर्शनल टू 1/λ^4। जो वेवलेंथ होती है, लेमडा इज वेवलेंथ, तो स्कैटरिंग जो है वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी, ठीक है। और इन्हीं सब फिनोमेनन के कारण हमको डिफरेंट इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो ठीक है, अब इसमें लिखो, वाई
कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, व्हाई कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। तो लिखो इसमें, देखो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हैव एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर फाइन पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर हैव एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर फाइन पार्टिकल्स विच हैव साइज स्मॉलर देन दी, विच हैव साइज स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विच हैव साइज स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। दे आर मोर इफेक्टिव, दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग, दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स एट दी ब्लू एंड, एट दी ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स, देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स एट दी रेड एंड, देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स एट दी रेड एंड। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन के लिए भी लिख सकते हो, वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। ठीक है, आगे लिखो, सिंस ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर, सिंस ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर देयरफॉर क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, देयरफॉर क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, देखो लाइट कहाँ से आ रही है, सन से। अब सन से जो सीधे लाइट आ रही है वो तो ठीक है, अपने को व्हाइट दिखाई दे रही है, लेकिन अब कहीं और से लाइट तो आ नहीं रही, लेकिन जो लाइट सबसे ज्यादा क्या हो गई, स्कैटर हो गई, वो हम सन की तरफ नहीं देख रहे, कहीं और देख रहे हैं, तो वहां से हमको कौन सी लाइट आती हुई दिखाई देगी, जो स्कैटर हुई होगी ज्यादा, तो इसलिए वो कौन सी दिखाई देती है, ब्लू। अगर एटमोसफियर नहीं होगा फिर कैसी स्काई दिखाई देगी, ब्लैक। सन सिर्फ अपने को वो दिखाई देगा चमकता हुआ व्हाइट, लेकिन बाकी पूरी स्काई कैसी दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। ठीक है, तो नोट करके देख लो इसमें, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग एंड स्काई वुड अपियर डार्क। स्काई वुड अपियर डार्क, तो मून पे कैसे दिखाई देगी स्काई, ब्लैक या डार्क, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, आगे एक और पॉइंट लिख लो नोट करके,
डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर. डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर बिकॉज रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक. रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर. देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस. देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, ये जो रेड कलर्स यूज किए जाते हैं डेंजर सिग्नल्स वगैरह के लिए, ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी स्कैटरिंग कम होगी. स्कैटरिंग कम होगी इसलिए उनको ज्यादा डिस्टेंस से भी क्या है, कंफर्टेबली देखा जा सकता है. उसके बाद लिखो वाई सन अपियर्स रेड एट सनराइज और सनसेट. वाई सन अपियर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, या और सनसेट बोल एंड सनसेट. तो अब इसमें क्या होता है, तो इसमें भी जो लाइट है स्कैटर हो रही है, और रेड लाइट क्या होती है, सबसे कम स्कैटर हो रही है, तो इसलिए वही अपनी आईज तक पहुंच पाती है सन से. बाकी कलर्स ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, स्कैटर. देखो दिन में क्या होता है, सन नजदीक होता है, नजदीक होता है तो सारे कलर्स की स्कैटरिंग का बहुत कम होती है, तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स अपनी आईज पे आते हैं, और जब सारे कलर्स आएंगे तो कैसी लाइट दिखाई देगी, वाइट. और बहुत दूर होने से क्या होता है कि मैक्सिमम कलर्स तो स्कैटर हो जाते हैं, जो सबसे कम स्कैटर होता है वो अपनी आईज तक पहुंच पाता है, इसलिए कैसा दिखाई देता है, सन रेड दिखाई देता है. तो लिखो इस पर लिखो ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज इट अपियर्स रेडिश बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन, बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन, लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासिस थ्रू, पासिस थ्रू थिकर लेयर्स ऑफ एयर, थिकर लेयर्स ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन दी इन दी एंड लार्जर डिस्टेंस इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आईज, बिफोर रीचिंग अवर आईज लार्जर डिस्टेंस इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आईज. सो सो द कलर विच इज स्कैटर्ड लीस्ट, सो द कलर विच इज स्कैटर्ड लीस्ट रीचेज अवर आई, रीचेज अवर आई. देखो ये अर्थ है, अब इसमें भी हम देखें ये एटमॉस्फियर है, ठीक है, ये होराइजन है. अब सन जब यहां पर है, होराइजन पे है, तो क्या होगा, लाइट जो आ रही है मतलब वो ऐसे आएगी, और जब नून पे होगा,
मतलब दिन में सन यहाँ होगा तो लाइट यहाँ आएगी, तो ये काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको एटमॉस्फेयर में, इसको काफी ज्यादा डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अब स्कैटर तो सभी कलर करते हैं, ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, वो कर गया, लेकिन जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना स्कैटरिंग हर कलर की बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम किसकी स्कैटरिंग होगी? रेड की। तो सबसे एंड तक जिसकी अपने को लाइट दिखाई देगी वो होगा जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, इसलिए कैसा दिखाई देता है? रेड। और दिन में कैसा दिखाई देगा? वाइट। ठीक है, आगे लिख लो, आगे लिखो, लाइट फ्रॉम द सन, लाइट फ्रॉम द सन ओवर हेड, लाइट फ्रॉम द सन ओवर हेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, सो एट नून द सन अपीयर्स वाइट, द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ, एज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, तो नून में व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि ब्लू और वायलेट की भी स्कैटरिंग काफी कम होगी, तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स आइस पे आएंगे और इससे बाकी सारे तो स्कैटर हो जाएंगे, रेड वाला अपनी आइस तक पहुंचेगा। अच्छा, ऐसे ही क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं? अब देखो, ये जो स्कैटरिंग होती है मॉलिक्यूल्स के साइज पे भी डिपेंड करती है, जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल का साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, तो स्कैटरिंग उस हिसाब से होती है। अब क्लाउड में क्या होता है, अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो कोई ब्लू को ज्यादा स्कैटर कर रहा है, कोई ग्रीन को ज्यादा स्कैटर कर रहा है और कोई रेड को ज्यादा स्कैटर कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी तरह के कलर्स स्कैटर होते हैं इक्वली, तो इसलिए अपने को क्या दिखाई देते हैं? व्हाइट। ठीक है, तो ये भी लिख लो, वाई क्लाउड अपियर्स वाइट, वाई क्लाउड अपियर्स वाइट। तो लिख लो, इन क्लाउड्स देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, स्मॉल साइज्ड ड्रॉपलेट्स, स्मॉल साइज्ड ड्रॉपलेट्स स्कैटर्स ब्लू लाइट, स्मॉल साइज्ड ड्रॉपलेट्स स्कैटर ब्लू लाइट्स, मीडियम साइज ड्रॉपलेट्स स्कैटर ग्रीन लाइट, एंड लार्ज साइज्ड ड्रॉपलेट्स स्कैटर रेड लाइट, लार्ज साइज्ड ड्रॉपलेट्स स्कैटर रेड लाइट, सो ऑलमोस्ट ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, सो ऑलमोस्ट ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली एंड क्लाउड अपीयर्स वाइट। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होगा, जितना स्मॉल ड्रॉपलेट होगा तो वो स्मॉल वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करेगा, लार्ज ड्रॉपलेट होगा तो वो लार्ज वेवलेंथ, इस तरह से अलग अलग साइज की ड्रॉपलेट्स अलग अलग वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करती हैं, और अपने को कैसा दिखाई देता है क्लाउड? व्हाइट क्लाउड दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और टर्म लिख लो,
टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि इसमें भी जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास किया जाता है तो क्या होता है कि जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और अपने को लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल हो जाता है। नॉर्मली अभी लाइट दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर कैसा होगा, जैसे कोलाइडल पाथ होगा कि अलग अलग, जैसे अपन एक रूम में देखें, अगर एक छेद कर दें तो अपने को क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू लाइट दिखाई देगी। मतलब लाइट क्या दिखाई देगी, वो तो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर। क्यों, देखो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अपने को कोई चीज कब दिखाई देगी, जब लाइट अपनी आईज पे आएगी। मान लो लाइट ऐसे जा रही है, मुझे नहीं दिखाई देगी लाइट, क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अगर वो ऐसे चली गई मेरी आईज पे तो आ नहीं रही। लेकिन अगर यहां पे डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके स्कैटर करेंगे वापस से, वो स्कैटर्ड लाइट मेरी आईज पे आएगी, तब मुझे क्या दिखाई देगी, वो लाइट का पाथ दिखाई देगा थ्रू दैट दोज डस्ट पार्टिकल्स। इसी को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। तो लिखो, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स गेव राइज टू टिंडल इफेक्ट। गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिनन इज सीन, दिस फिनोमिनन इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम, एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, थ्रू अ स्मॉल होल दस दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल। तो ये मेनली टिंडल इफेक्ट होता है। अब नोट करके एक पॉइंट और लिख लो, नोट करके लिखो, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। आगे लिखो, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट while particles of larger size, while particles of larger size scatter light of longer wavelengths, scatter light of longer wavelengths। ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट व्हाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स। आगे लिखो, इफ द साइज ऑफ
द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज एनफ देन द स्कैटर्ड लाइट मे इवन अपीयर वाइट द स्कैटर्ड लाइट मे इवन अपीयर वाइट. ठीक है, तो लाइट की स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल्स के साइज पे. तो छोटा पार्टिकल छोटी वेवलेंथ स्कैटर करता है, बड़ा पार्टिकल बड़ी वेवलेंथ. ठीक है, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया.